दोस्तों नंबर वन साइज गेनिंग प्रोटीन पावर प्रो प्रोटीन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, भैया भी कह रहे हैं। क्या नाम भैया का? सनी जी। सनी भैया का नाम। भैया कौन सा प्रोटीन यूज कर रहे हो? पावर प्रो। पावर प्रो प्रोटीन यूज कर रहे हैं। भैया कितने यूज कर चुके हैं उसके? अभी तक 2 बॉक्सेस खा चुके हैं। 2 बॉक्स यूज कर चुके हैं। भैया क्या रिजल्ट है? बहुत अच्छे रिजल्ट है। उसने मेरा 12 kg वेट बढ़ा दिया। भाई वेट बढ़ा दिया यार पावर प्रो ने। अच्छा फैट तो नहीं बढ़ाया ना? नहीं फैट नहीं बढ़ाया। और भाई मसल साइज? मसल साइज भी इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छा। अगर मैं देखूं मतलब 1 इंच 2 इंच कितना हुआ होगा? ज्यादा ही हुआ है। भाई सुन लो यहाँ पर, मतलब 2 इंच तक इनका मसल साइज गेन हुआ है, ज्यादा ही हुआ है। और भैया कोई नुकसान? कुछ भी नहीं। और भैया अभी कौन सा लेके गए हो आप? अभी आरसी। आरसी लेके गए हैं प्रो एंटियम। मैं तो कहता हूँ ऐसा कि प्रो एंटियम जो है पचने में भारी है। भैया से पूछो, भैया है ऐसा? हैगा। हाँ सुन लो यहाँ पर, पर भैया आरसी भी देखो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम इनके साथ वीडियो बनाऊंगा मैं एक, और फिर आपको बताऊंगा, फिर इनसे पूछेंगे भी हम कि आरसी बेटर था या पावर प्रो। सब तो कहते हैं पावर प्रो बेटर है, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि वो पचने में बहुत अच्छा है, और जो इजीली पचेगा भाई वो नेचुरल सी बात है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, जल्दी रिकवरी देगा। और जो आरसी है वो पचने में भारी है ना, तो आरसी नंबर वन होता। तो भैया ये रिजल्ट है पावर प्रो। आप भी मसल साइज गेन करना चाह रहे हो तो ऑर्डर करना है पावर प्रो प्रोटीन। और भैया कहाँ से आए हैं जी आप? शादरा। शादरा से। और भैया बता रहे इनका अपना जिम है? हाँ जी। जी क्या नाम है जिम का? भगवती बॉडी कार्विंग। जी भगवती बॉडी केयर जिम है भैया का। और भैया मुझे एक चीज बताओ, आपके जिम में कोई स्टीरॉइड तो यूज नहीं करता? कुछ भी नहीं, अलाउड ही नहीं है, एंट्री नहीं है पहली बात उनकी जिम में। सुन लो यहाँ पर, तो हमें ऐसा ही जिम ज्वाइन करना है जिस जिम में ना तो कोई स्टीरॉइड लेता है और ना कोई स्टीरॉइड देता है, ऐसे जिम में जाना है। और आप अगर पेरेंट्स हैं तो ध्यान रखेंगे अपने बच्चे को, जरूरी नहीं है कि हाई फाई जिम में ही भेजना है, 500 रुपये वाले जिम में भेजो आप, 500 रुपये महीने जिसकी फीस है। पर जिम वही होना चाहिए जहाँ ना तो कोई स्टीरॉइड ले ना कोई स्टीरॉइड दे, वरना सारे जिमों में वही डंबल होते हैं, वही मशीनें होती हैं, बस ब्रांड चेंज होते हैं। आपने अपने बच्चे को किसी हाई फाई जिम में भेज दिया, भैया जहाँ 5,000 रुपये फीस है, कोई दिक्कत नहीं है, भेजो, अच्छी बात है, आप अफोर्ड कर सकते हो, भेजो। पर अगर उस 5,000 रुपये महीने वाले जिम में स्टीरॉइड्स यूज होते हैं तो अपने बच्चे को आज ही रोक लो, क्योंकि आपका बच्चा आज नहीं तो कल बहकावे में आके वो स्टीरॉइड ले ही लेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको जो एटमोसफियर मिलेगा वो स्टीरॉइड वाला मिलेगा। वहाँ पर जितने भी वो जो लोग होंगे, उस जिम के मेंबर होंगे, वो स्टीरॉइड लेके बॉडी बना रहे हैं। आज आपका बच्चा नहीं लेगा, कल नहीं लेगा, परसों नहीं लेगा, 2 महीने नहीं लेगा, 6 महीने नहीं लेगा, वो 7वें महीने ले लेगा। भैया गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और आपने अपने बच्चे को 500 रुपये महीने वाले जिम में भेज दिया और वहाँ कोई स्टीरॉइड नहीं लेता, तो आपका बच्चा उस जिम में, क्योंकि माहौल नहीं है वहाँ स्टीरॉइड का, ना तो आज लेगा स्टीरॉइड और ना 4 साल बाद लेगा। ये बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे भैया का जिम है भगवती जिम, जो इनका शादरा में है, आप वहाँ उनको भेज सकते हो या आसपास, पर आप खुद सर्च करो। आपका बच्चा कह रहा है पापा मैं जिम लगा लूँ, मम्मी मैं जिम लगा लूँ, आपने कहा हाँ बेटा लगा ले, अच्छी बात है। तो पर आपने एक बार भी ये सर्च नहीं किया कि उस जिम में स्टीरॉइड्स को लेता है देता है नहीं। स्कूल सर्च करते हो, कॉलेज सर्च करते हो, पर जिम सर्च नहीं करते। तो आपको जिम भी ऐसी ढूंढनी है जहाँ स्टीरॉइड्स ना तो लिए जाते हैं और ना दिए जाते हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। तो आप भी आइए सप्लीमेंट्स वाला और लीजिए पावर प्रो प्रोटीन, और नेक्स्ट मुलाकात में भैया से कंपेयर करेंगे आरसी और उसके रिजल्ट पावर प्रो के। ठीक है भैया? बिल्कुल। तो जुड़े सप्लीमेंट्स वाला से।